जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी शक्ति कौन सी? एकता एकता। हमारी शक्ति कौन सी? एकता एकता। साथ जिएंगे साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ रहेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान के एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी पिछले 4 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं। पिछले 4 सालों में एम्बुलेंस संचालक कंपनी ने इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि जो सालाना इंक्रीमेंट होता है वो तक नहीं दिया। कर्मचारियों का शोषण बदस्तूर जारी है, श्रम कानूनों की खुली अवहेलना हो रही है। राजस्थान सरकार के विभिन्न नुमाइंदों को कई बार लिखित में अवगत करवा दिया गया, कई बार लगातार हमने वार्ता के प्रयास किए, कई बार निवेदन किया, लेकिन राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है उसके जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे, जिसका ये नतीजा निकला कि आज 4 साल के संघर्ष के बाद पूरे राजस्थान की 108, 104 और बेस एम्बुलेंस पूरी तरह से ठप हो चुकी है, चक्का जाम हो चुकी है। और हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि राजस्थान की जनता की पीड़ा को देखते हुए, इन कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए हमारी मांगों का निस्तारण किया जाए। 3 सूत्री हमारी मुख्य मांगे हैं, 17 सूत्री हमारा मांग पत्र है, लेकिन 3 मुख्य मांगे हैं जिसमें ठेका प्रथा से मुक्ति, कार्य के घंटे जो 12 घंटे काम लिया जा रहा है श्रम कानूनों के विपरीत उसको 8 घंटे किया जावे, उसके अलावा वेतन वृद्धि जो पिछले 5 सालों से नहीं की गई तो 50% वेतन वृद्धि कम से कम लागू की जावे, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। समय तो मांग नहीं पूरी होती तो क्या करें? मांग पूरी नहीं होने की स्थितियाँ तो आज भी यही है, वार्ताएं 2 दिन से विफल हो रही है। सरकार और मैनेजमेंट आपसे मिलीभगत है, ठेका कंपनी और सरकारी नुमाइंदों की, जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। आज हड़ताल का 3रा दिन है और आखिर में 3रे दिन जोधपुर में हमने ये सोचा था कि जनता को परेशानी नहीं हो, लेकिन आज 3रे दिन हमें भी मजबूरन जोधपुर की एम्बुलेंसों को खड़ा करना पड़ा और आज हमें भी जनता से माफ़ी मांगते हुए हड़ताल में अपना भागीदारी निभानी पड़ी। 3 दिन